जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, तो आज की तारीख में बिहार की 13 करोड़ जनता ही अब मेरा परिवार है।
सर, आपने कहा कि जब पिताजी का निधन हुआ तो आपकी माँ और नानी को परिवार से निकाल दिया गया, उस जिस लोगों ने निकाला था उन्हीं पार्टी के साथ आप फिर हैं भाई? ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से आप बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने निकाला, किन की वजह से निकाला गया था, महत्वपूर्ण ये सवाल है। उस वक्त कौन लोग थे जो उस गठबंधन में थे, जिनको हमने तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का जिक्र करते नहीं थकते थे, उन लोगों के द्वारा क्या षड्यंत्र रचे गए, किस तरीके से केंद्र को ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप चिराग को नहीं निकालेंगे, चिराग का घर नहीं खाली करेंगे, तो ऐसे में भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पर्दे के पीछे रहकर जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा परिवार को तोड़ने का, पार्टी को तोड़ने का, बहरहाल मेरी लड़ाई कोई घर परिवार को लेकर नहीं, मेरे उद्देश्य बड़े हैं। मैं छोटी बातों में अपना समय ना व्यर्थ करूंगा ना अपना ध्यान उस पर केंद्रित करूंगा। मेरा लक्ष्य बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, उस उद्देश्य के साथ मैं। सर, अभी बिहार का सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है शिक्षक नियुक्ति को लेकर है, और शिक्षक नियुक्ति में जीतन राम मांझी ने बोला है कि यूपी में रामपुर एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं, उसको ले इस सारे चीजों को लेकर ज्यादा विद्यार्थी यूपीओ को लिया गया है और बिहार के विद्यार्थियों को ठगा गया है। देखिए भाई, जिस तरीके से धांधली इस युक्ति में हो रही है, दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट, हर किसी को पता है कि कैसे बैकडोर एंट्री की जा रही है, कैसे बैकडोर चैनल किया जा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं, ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी उद्देश्य के साथ किया गया है ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोजगार दिया। जो मुख्यमंत्री बिहार में बिहारियों को रोजगार नहीं दे पा रहे, वो देश भर में रोजगार का ड्रामा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने देश भर से इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं संभवतः आगामी चुनाव को भी लेकर हैं। अब वो चुनाव खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पीढ़ी को कम से कम ये याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जैसे ये बैकडोर नियुक्तियां कराते हैं वैसे ही बैकडोर से मुख्यमंत्री बनाते हैं, MLC के माध्यम से ये बार बार आते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाते। आखिरी बार कब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम से कम दो दशक में तो किसी को याद नहीं। और आखिरी बार जो लड़े भी थे, दो जगह से लड़े थे, एक जगह से हार गए थे, इस बात का डर भी इनको जरूर होगा। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव ना लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझेंगे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा उनका अपना गृह जिला, उनको पता है कि वो वहां से भी अगर वो जाकर चुनाव लड़ेंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो जो बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, वो विकल्प बाकी राज्यों में तलाश करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि BPSC शिक्षक बहाली में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, लेन देन हुआ है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, इस मुख्यमंत्री से ज्यादा शायद ही किसी और ने करप्शन को टॉलरेट किया। भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे होता है और ये आंख मूंद कर बैठते हैं। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री और हर विभाग में बैकडोर चैनल खुले। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाए, पर अगर ये तीन चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है, संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उन लोगों को नियुक्त किया गया। अपने ही बेंचमार्क से बेहतर जिनके आए हुए हैं उन लोगों को ये लोग नहीं ले रहे, और जिनके बिलो द मार्किंग उनके पॉइंट्स हैं उनको ये लोग अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही हो रहा है। क्या छात्रों के साथ आपकी पार्टी रहेगी? बिल्कुल रहेगी भाई, मैं खुद युवा हूँ, छात्रों से मैं जुड़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ उनकी भावनाओं को, और मैं दूसरे राज्यों में भी जाता हूँ, और उन राज्यों में जब मैं जाता हूँ मुझे दुख होता है ये देखकर कि किस तरीके से बिहारी वहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से उन्हें अपमानित किया जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है ये दिखा करके, अरे तुम उसी राज्य से हो ना जहाँ हवा में पुल गिर जाता है, तुम उसी राज्य से हो ना जहाँ बांध को चूहा कुतर जाता है। ये बता बता कर कितने बिहारी बच्चे हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर बताने से शर्माते हैं कि हम बिहार से, और ये बिहार के हालात बन गए। आने वाले दिनों में देखिएगा बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो टोकिएगा, शायद ही कोई ऐसा सक्षम परिवार होगा जो सबसे पहले थोड़ा सा भी आर्थिक तौर पर सक्षम बनता है, अपने बेटा बेटी के राज्य में जाता है, वहीं पर शिक्षा पूरी करता है, रोजगार हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और बिहार में उसे प्रवासी कहलाया जाता है। ये परिस्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बना दी। तो ऐसे में पूरी तरीके से छात्र युवाओं के हर समस्या के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जातीय जनगणना पर आपने कहा कि हमारे पासवान जाति की जनसंख्या को कम कर दिया गया है, क्या ये क्या आरोप क्या है?
भाई ये बिल्कुल सही है, किससे पूछा इन्होंने? आप लोग मुझे बताइए ना, कितने लोगों के घर पे आया कोई पूछने? कितने लोगों से पूछा? आप ही लोग बता दीजिए, आप लोगों के घर परिवार में? भाई हमसे तो नहीं पूछा किसी ने हमारी जाति का, हमारे गांव में भी नहीं पूछा। शहर बन्नी हम गए पूछे, वहां पे अधिकांश लोगों से हमारे गांव में भी नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति से। तो ऐसे में अगर ये बंद कमरे में बने हुए आंकड़े नहीं है तो और क्या है? कितनी ऐसी छोटी जाति अनुसूचित जाति में जिनकी आबादी को कम किया गया, पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में कितनी जातियां जिनको कमतर करके दिखाया गया? क्या ये महज संजोग है कि जिस समीकरण की सरकार चल रही है, जिस समीकरण के कि ये लोग बातें करते नहीं थकते, MY समीकरण, क्या ये महज संजोग है कि उस समीकरण के आंकड़े इतने बढ़कर आ गए और बाकी तमाम पिछड़ा वर्ग की जातियां, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, दलित महादलित जातियां हो, वो तमाम कम हो गई? भाई 1931 के जो आंकड़े थे उसी को तो थोड़ा बहुत उसकी एवरेजिंग करके आपने इस जनगणना को पेश कर दिया। ये बंद कमरे में बनाए हुए आंकड़े और कुछ नहीं। धन्यवाद सर। तभी कर पाएंगे जब हम लोग एकजुट रहे, और यही आग्रह करने आज खास तौर पर आप लोगों के बीच आए। कई अपने ही होते हैं जो भड़काने का प्रयास करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां से, कई अपने बीच में से निकल जाते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को, खुद को लाभ पहुंचाने के लिए, खुद बड़े पद पर बैठने के लिए, खुद बड़ी बड़ी पदों को हासिल करने के लिए हम ही लोगों में मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हम लोगों सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में चिंता करें, और वो चिंता हम लोग तभी कर सकते हैं। भाई कई पिछली पीढ़ियां चली गई इस बात का सपना देखते देखते कि हमारी आने वाली पीढ़ी बिहार में एक बेहतर जीवन व्यतीत करेगी, पर हकीकत है कि आज भी बिहार से कलाएं हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आज भी बिहार के युवा मजबूर हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई गुरुग्राम जाता है, कोई बेंगलुरु जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई नोएडा जाता है, शिक्षा के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है। क्यों भैया? आजादी के 75 साल के बाद भी क्यों जरूरत पड़ती है हम लोग को दूसरे राज्यों में जाने की? भारत में जब तमाम बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए, उस वक्त जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब डिनर आयोजित, उस डिनर पे पीछे किसकी तस्वीर लगी हुई? नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगी हुई। ये बिहार का गौरव रहा है, ये बिहार का इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास। उस वक्त हम लोग शिक्षा पर हम लोग गर्व करते थे, देश विदेश से ये तमाम ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, चाइना वाइना से सब लोग आता था, यूरोप से लोग आता था नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। और आज बिहार में शिक्षा के हालात देख लीजिए, आज हम लोग के बच्चों को मजबूर होना पड़ता भैया कोटा जाते हैं पढ़ाई के लिए। ये शिक्षा के हालात बना दिए, और कोटा की भी व्यवस्था जान लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं मिल सकती? क्यों पटना में नहीं मिल सकती? क्यों दरभंगा में नहीं मिल सकती? भागलपुर में नहीं मिल सकती? मुजफ्फरपुर में नहीं मिल सकती? मन से साइड हो जाइए, खड़े आप लोग तो बोले खाली कीजिए, खाली कीजिए, लोग खाली कीजिए, पीछे सुबह से इंतजार कर रहे हैं सब सब आदमी नीचे। अरे आप लोग उसी तरह सुनी सब लोग पीछे हो गए, मेरी कुर्सी खाली है। अरे आप लोग आए कब? हेलो मन खाली है पीछे को पाग चादर से पहले सब
टिकट नहीं देंगे, तुम हमारे एससी समाज के अन्य लोगों को देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ साथियों कि हम पासवान जाति है और चाहे तो गति पर बैठा सकते हैं और चाहे तो गति पर उठा सकते हैं। हमारे पासवानों का प्रिय और आदरणीय नेता चिराग पासवान भी है। अगर किसी में हिम्मत है, किसी पासवान में हिम्मत है, किसी नेता में हिम्मत है, तो आप इनके जैसा प्यार करके बैठाइए।